दोस्तों, मेरे पास कई सारे दर्शकों का सेम सवाल आता है कि भाई साहब, मेडिकल स्टोर में कितनी कमाई होती है? मेडिकल स्टोर में मैं अच्छे पैसे कमा पाऊंगा क्या? मेडिकल स्टोर से मैं अपनी रोजी रोटी चला पाऊंगा क्या? मेडिकल स्टोर से मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊंगा क्या? मेडिकल स्टोर से मैं करोड़पति बन पाऊंगा क्या? मेडिकल स्टोर से मैं मर्सिडीज या कोई लग्जरी गाड़ी खरीद पाऊंगा? कैसी होती है मेडिकल स्टोर की लाइफ? और मुझे पता है कि ये जो सवाल आते हैं, ये उन्हीं लोगों के सवाल होते हैं जो अन्य मेडिकल स्टोर को देखते हैं कि एक मेडिकल स्टोर है जिसके बहुत सारे कस्टमर हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बिक्री होती है और उनके पास बढ़िया बढ़िया गाड़ी भी है, बढ़िया लाइफ स्टाइल है, हाथ में आईफोन है, अच्छे खासे पैसे हैं, और आदमी उन्हीं सारी चीज़ों को देख करके एक मेडिकल स्टोर खोल लेता है। और जब खोल लेता है, जब वो उस महासागर में उतर जाता है, तो फिर परेशान भी हो जाता है कभी कभी। तो क्या मामला है, इस चीज को कैसे हमें देखना चाहिए? सिर्फ दृष्टि को बदलने के लिए आज की वीडियो में मैं आपसे इस विषय पर बात करूंगा। बहुत सारी क्लैरिटीज आपके माइंड में आज इस वीडियो को देखने के बाद में आ जाएंगी। देखिए, यहाँ पर समस्या है कि आप दूसरे मेडिकल स्टोर को देखते हैं जो आपके शहर के टॉप मेडिकल स्टोर होते हैं। आप देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे कस्टमर हैं, वो भाई साहब बहुत पैसा कमाते हैं, उनके पास आईफोन है, उनके पास बुलेट है, उनके पास फॉर्चुनर है। आप भी फैसिनेट हो जाते हैं और आप मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं, लेकिन गलती आपसे ये होती है कि आप एंड प्रोडक्ट को देखते हैं, आप अंतिम प्रोडक्ट को देखते हैं, आप परिणाम को देखते हैं। वो जो प्रोसेस था, वो जो पूरा उनका संघर्ष का समय था, आपने वो नहीं देखा। उन्होंने कितनी मेहनत की, किस तरीके से उन्होंने अपने कस्टमर को बनाए, किस तरीके से उन्होंने कस्टमर से बात की, किस तरीके से उन्होंने रेंज को मेंटेन किया, किस तरीके से उन्होंने डॉक्टर को मेंटेन किया, किस तरीके से उन्होंने लेखा जोखा किया, उसका बाई प्रोडक्ट होता है पैसा। पैसा एक प्रकार का बाई प्रोडक्ट होता है जो हम काम करते हैं उसका। मतलब एक तरीके से आप अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे, प्रोसेस मतलब क्या होता है, आपका टाइम पर दुकान खोलना, कस्टमर को अच्छे तरीके से हैंडल करना, डॉक्टर से अच्छा बिहेव रखना, कस्टमर से अच्छे से कनेक्ट होना, कस्टमर को सही दवा देना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर को रिटेन करना, मतलब कस्टमर आपके पास बार बार आए, और अगर यही प्रोसेस आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका भी छोटा सा मेडिकल स्टोर एक दिन के बाद बड़ा हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, और आपके पास भी फॉर्चुनर, बुलेट और ऑडी आ सकती है। लेकिन आप से गलती क्या होती है कि आपने उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, आपने उस प्रोसेस को नहीं देखा जिस प्रोसेस के थ्रू होकर वो मेडिकल स्टोर वाला गुजरा था अपनी लाइफ में। आप 25-30 साल बाद आपने देखा है कि वो अच्छा खासा विशाल मेडिकल स्टोर बन चुका है, उसके पास कई सारे कस्टमर हैं, लेकिन जो 25-30 साल पहले जो उसने संघर्ष किया था, आपने उस संघर्ष को नहीं देखा। कभी आप उनके पास जाइए, उनकी कहानी पूछिए कि सर, आपने कैसे अपना मेडिकल स्टोर शुरू किया था, कैसे संघर्ष करते थे, तो वो आपको अपने संघर्ष की कहानी अगर बताएंगे ना, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। संघर्ष मतलब प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस को खाली फॉलो करोगे तो आप सफल हो जाओगे। हमारे पसंदीदा खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी भी हमेशा कहते हैं कि कभी रिजल्ट को मत देखो, हमेशा प्रोसेस को फॉलो करो। अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो रिजल्ट आपके फेवर में मैं आएगा। इस बात में बिलीव करता हूं कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। प्रोसेस पे फोकस करना है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। रिजल्ट को कभी भी दिमाग में नहीं रखना है, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करते रहिए। और यकीन मानिए, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे तो आप भी बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, आपके पास भी अच्छी खासी गाड़ियां होंगी और सिर्फ मेडिकल स्टोर से। लेकिन फिलहाल आपको संघर्ष करना है, उस संघर्ष के समय को देखना है। कभी भी एंड प्रोडक्ट को मत देखिए। आपने देखा कि बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, सामने फॉर्चुनर गाड़ी खड़ी हुई है, बुलेट खड़ी हुई है, बढ़िया भौकाल से हाथ में आईफोन है और अच्छी खासी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, घर बहुत बढ़िया बनवाया हुआ है इन्होंने, मतलब मेडिकल स्टोर में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आप जब आए तो आप परेशान हो गए, आपके पास कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। भाई साहब, उस व्यक्ति ने 30 साल दिया है, 20 साल दिया है, 25 साल दिया है, आप भी कम से कम उतने साल इस फील्ड में काटो, तो आप भी संघर्ष करो, तो आप भी चैलेंज को चुनो, तो उन भाई साहब के पास भी कठिनाइयां आई होंगी।
कस्टमर नहीं आते होंगे, वो भी खाली बैठते होंगे, मक्खी भी मारते होंगे, फ्रस्ट्रेशन भी होता होगा, कई बार दुकान को बंद करने का ख्याल भी आया होगा, लेकिन उन्होंने लगातार प्रोसेस को फॉलो किया। ऊंच जो बिजनेस में एक ग्राफ गिरता है उठता है उसको उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, धैर्य बनाया और धीमे धीमे अपने काम को करते 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 उस प्रोसेस को फॉलो किया और आज वो अच्छे मुकाम पर हैं। तो आप अगर नए मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, अगर आप नए मेडिकल स्टोर वाले हैं, तो मेरी एक बात गांठ मान लीजिए, आप किसी मेडिकल स्टोर के इंड को मत देखिए, वो इतना बड़ा मेडिकल स्टोर के पास इतने कस्टमर हैं, आप उससे तुलना मत कीजिए। अगर आप विराट कोहली बनना चाहते हैं तो विराट कोहली की तरह दाढ़ी रख करके विराट कोहली वाला एमआरएफ का बल्ला लेके विराट कोहली नहीं बन पाएंगे। आपको विराट कोहली का विराट कोहली बनने का जो प्रोसेस था, डेली प्रैक्टिस करना, टेक्निक सीखना, टेक्टिक्स सीखना, लगातार हार्डवर्क करना, डेडिकेशन, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप एक ना एक दिन विराट कोहली बन जाएंगे। सिर्फ दाढ़ी रखने से विराट कोहली नहीं बन पाएंगे आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस मेडिकल स्टोर के चकाचौंध को मत देखिए, उसने जो संघर्ष किया है अपने लाइफ में, जो प्रोसेस फॉलो किया है, आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर नए मेडिकल स्टोर वाले हैं तो मेरी बात मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि आपको कभी भी परेशान नहीं होना है, संयम रखिए, धैर्य रखिए। और जो छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूँ अपनी वीडियोस में, कस्टमर को अच्छे से हैंडल करना, अपने रेंज को धीमे धीमे बढ़ाना, हिसाब किताब अच्छा रखना, कस्टमर से अच्छा बिहेव करना, डॉक्टर से अच्छा संबंध रखना, ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आती है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से करते जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो एक दिन आप भी बन जाएंगे राजा। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कई सारी बातें आपके मन की, आपके मन को हल्का करी हो। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।